हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटर मीनाक्षी। मैं मीनाक्षी और फ्रेंड्स, आज मैं आपको कान्हा जी की ये पोशाक बनाना सिखाऊंगी। इसे बनाने के लिए आपको दो कलर की नेट, पेस्टिंग, टिश्यू रिबन, बस इतने ही सामान की जरूरत पड़ेगी। कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पोशाक बनाना सीखना है तो बने रहें मेरे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं ये ब्यूटीफुल पोशाक बनाना। तो फ्रेंड्स, ये पोशाक बनाने के लिए मैंने 10 इंच डायमीटर का ये बेस तैयार कर लिया है, क्योंकि ये पोशाक मैं 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, इसलिए इसका डायमीटर मैंने 10 इंच लिया है। और अगर आपके कान्हा जी का साइज ज्यादा या कम है तो आप इस मेजरमेंट चार्ट में अपने कान्हा जी के साइज नंबर के अकॉर्डिंग डायमीटर देख लें और बेस बनाकर तैयार कर लें। मैंने इसमें बॉडी की लेंथ और ब्रेथ भी लिख दी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, यह आपकी बहुत हेल्प करेगा। और बेस बनाने के बाद जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊं वैसे वैसे आप करते जाएं, तो आप बहुत आसानी से पोशाक बनाकर तैयार कर लेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और बेस बनाना अगर आपसे नहीं आता है तो बेस बनाने की सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, आप उस वीडियो को चेक कर लें और बेस बनाकर तैयार कर लें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम पोशाक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पर अपने कान्हा जी के साइज नंबर के अकॉर्डिंग कमर का निशान लगाएंगे। तो 4 नंबर के कान्हा जी के लिए 0.6 इंच का निशान लगाते हैं। तो पहले हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करने के बाद यहां कॉर्नर पर हमें निशान लगा लेना है। एक निशान इधर लगाएंगे और एक निशान इधर लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को हम गोलाई करके आपस में मिला लेंगे। अब हमें इसी निशान पर कट कर लेना है। ये देखिए, यहां पर कटिंग करने के बाद अब हम इसको आगे से ओपन कर लेंगे। कटिंग करने की वजह से ये खुल गया है, तो हम इसको सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक हमें सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लेना है। चलिए इतना काम कर लेते हैं, फिर बताते हैं आगे क्या करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लिया और इस पूरे राउंड को हल्का हल्का बर्न कर लिया है, जिससे कि अब इसके धागे नहीं निकलेंगे। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने नेट के कपड़े में से 3x3 के स्क्वायर पीस कट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे ट्राइंगल शेप में और एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, और ऐसे फोल्ड करने के बाद एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। तो इस तरह फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद हमें यहां पर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके के हमें काफी सारे पीसेस तैयार कर लेने हैं। चलिए कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने काफी सारे पीसेस तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको अपने बेस पर अटैच करेंगे। तो यहां पर इस तरीके से रखेंगे इनको बराबर बराबर और सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं, फिर बताते हैं आगे क्या करना है। ये देखिए, पूरे राउंड पर इनको लगाने के बाद मैंने ग्रीन कलर की नेट में से एक पट्टी कट कर ली है। 4 इंच चौड़ाई है इसकी और 70 इंच लंबाई। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लेनी है। और जब ये सिलाई हम पूरी लगा लेंगे तो उसके बाद इसको प्लेट डालकर तैयार करेंगे। देखिए इस तरीके से,
गहरी गहरी प्लेट्स डालेंगे। चलिए कर लेते हैं, फिर बताते हैं आगे क्या करना है। ये देखिए मैंने इसको प्लेट डालकर तैयार कर लिया। अब हम इसको अपने बेस पर अटैच करेंगे। तो अटैच करने से पहले हम इस पर निशान लगा लेंगे कि हमें इसको कहां पर अटैच करना है। यहां से नीचे की तरफ को निशान लगाएंगे 2 इंच पर। ये देखिए निशान लगाने के बाद अब हम इसको अटैच करेंगे। पहले यहां पर हम इसको सीधा रखेंगे इस तरीके से और सिलाई लगा लेंगे, फिर ऐसे गोलाई में घुमाते हुए इसको रखते चले जाएंगे और सिलाई लगाते चले जाएंगे इस तरीके से। चलिए लगा लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे क्या करना है। ये देखिए इसको लगाने के बाद मैंने ब्लू कलर में से भी एक पट्टी कट कर ली है। 4 इंच चौड़ाई है और 60 इंच लंबाई है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगाकर इसको भी तैयार कर लेंगे। और जब ये सिलाई लगाकर तैयार हो जाएगी तो इसे भी प्लेट डालकर तैयार कर लेंगे, जिस तरीके से हमने ये वाली पट्टी की थी। चलिए कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे क्या करना है। ये देखिए मैंने इसको भी प्लेट डालकर तैयार कर लिया। अब हम इसे अपने बेस पर अटैच करेंगे। तो अटैच करने से पहले हम निशान लगा लेंगे। यहां से हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। यहां पर रखेंगे इंची टेप को इस तरीके से और पूरे राउंड पर 1-1 इंच का निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद इस तरीके से हमें करना है इसको अटैच। यहां पर रखेंगे, पहले सीधा रखेंगे और ये सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर और फिर गोलाई में घुमाते हुए सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे इस तरीके से। चलिए कर लेते हैं, फिर बताते हैं आगे क्या करना है। ये देखिए मैंने इसको भी तैयार कर लिया है। अब हम इसे अपने बेस पर अटैच करेंगे। यहाँ कमर वाले पोर्शन में इस तरीके से इसको रखेंगे और सिलाई लगाते हुए पूरी गोलाई में लगा लेंगे इसको। चलिए लगा लेते हैं। ये देखिए ये वाली फ्रिल लगाने के बाद मैंने इसको आगे से लॉक कर लिया और यहाँ पर नेफा भी लगा लिया है। इस तरह से ये घेर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसकी बॉडी बनाएंगे। बॉडी बनाने के लिए मैंने साटन के कपड़े में से एक पट्टी कट कर ली है और इसके पीछे पेपर पेस्टिंग को पेस्ट कर लिया है। आप भी मेजरमेंट चार्ट में अपने कान्हा जी के साइज नंबर के अकॉर्डिंग इस पट्टी की लेंथ और ब्रेथ देख लें और ये पट्टी कट कर लें। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और एक बार ऐसे फोल्ड कर लेना है और यहाँ नीचे की साइड में तिरछा कट करना है। इस तरीके से हल्का सा यहाँ से सीधा कर लेंगे और इधर नोक वाली साइड नेक कट करेंगे। ये नेक कट करने के बाद अब हम इसको एक साइड से ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें हल्की हल्की सी गोलाई कर लेनी है, दोनों साइड कर लेंगे। तो इस तरीके से ये बॉडी की कटिंग हो गई। अब हम इसको अस्तर के कपड़े के ऊपर अटैच करेंगे। ये मैंने सेम साइज के अस्तर की पट्टी कट कर ली है। इसको इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से यहाँ यहाँ और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा कर लेंगे और चारों साइड से टिश्यू रिबन की हेल्प से लॉक करके डोरी लगा देंगे। चलिए इतना काम कर लेते हैं, फिर बताते हैं आगे क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अस्तर पर अटैच करने के बाद मैंने इसको सीधा कर लिया और चारों साइड टिश्यू रिबन लगाकर लॉक भी कर लिया और आगे बांधने के लिए डोरी लगा ली। इस तरह से ये बॉडी बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये पोशाक बनकर तैयार है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये पोशाक और मेरे सिखाने का तरीका कैसा लगा।
वीडियो अगर पसंद आए और आपके लिए थोड़ी भी यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड कीप स्माइलिंग।